न्याय की सिस्टम ऑफ हैविंग अ जंगल, हम उस तरीके से यहाँ एक साथ 400 वृक्ष लगाने लगे, मल्टीपल वैरायटी ऑफ द ट्रीज को एक साथ हम उसको लगाने वाले। अब लगेंगे तो कोई खाएगा, देखो वृक्ष लगता है तो पंछी आते हैं, पंछी आते हैं तो पंछी बीट करते हैं, वो बीट होगी तो उस बीट की वजह से मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे 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 जो ये कीड़े हैं, ये मिट्टी को और अधिक उर्वरा वाली और प्रोडक्टिव बना देते। और जब ये मिट्टी अच्छी हो जाती है तो पेड़ अच्छे हो जाते हैं। हमारे सब महात्मा वृक्षों के तले बैठे, ध्यानी लोग इसी वृक्ष के तले बैठ करके संन्यस्त होकर के ध्यान करते हैं। तो अपने हाथ से वृक्षारोपण करिए। मियावाकी मेथड से पौधे उगा रहे हैं, एक मिनी फॉरेस्ट जैसे, कितने बड़े हो गए, एक साल पहले उगाए थे, इस बार हमें भी मौका मिला उगाने का तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने अपना फेवरेट दशहरी आम उगाया। छोटा सा प्यारा सा फाल सा, एक बहुत ही मज़ेदार काम हम कर रहे हैं जो आगे आने वाले कई वर्षों तक लोगों को अलग अलग तरीके के सुख देंगे। आज हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, ये पार्ट 3 है हमारी मियावाकी जंगल का, और ये खास फॉर्मेशन में लगा रहे हैं क्योंकि ये जल्द से जल्द बड़े हो जाएं, जैसे ये पीछे वाले हो गए हैं। और ये मेरे हाथ में है लाल चंदन का छोटा सा पौधा जो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, और इस लाल चंदन से आप लोग जानते होंगे कि चंदन की माला भी बनेगी, तो ये हमें बहुत सुख देगा। देखो जी, ये गुरु जी की कृपा से सब लोग मिलके पौधे लगा रहे हैं, प्रकृति को हरा भरा कर रहे हैं। अब हमारे आश्रम के मियावाकी के 1000 पौधे हो गए, पहले 300, सेकंड फेज में 300 और अब 400। It has been fun to connect with her. मज़ा आ रहा है, और मैंने अभी अभी बकैन लगाया। गुरु जी की कृपा से ये अवसर मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हम पौधों में डाल रहे हैं ये जीवामृत है, और ये गुड़, बेसन और गोमूत्र और गोबर से बनाया जाता है, और इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है, और ये सब प्राकृतिक तरीके से अपनाया जा रहा है। इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है। पूरी जो हमने अर्थ तैयार करी है वो भी 1 मीटर खोदकर उसमें मिट्टी में खाद मिलाकर वापस डाली गई है।